जातीय जनगणना बहुत निहायत जरूरी है इस देश में। भाजपा की जो सरकार है ये बिल्कुल बिल्कुल विचलित कर रही है कि नहीं कराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के सामने रख के उस पर प्रहार कर रही है, खास तौर पर जातीय जनगणना। और ये मुद्दा नेता प्रतिपक्ष ने तो उठाया ही, राजद ने उठाया, विपक्ष उठा रहा है, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इस मामले को उठा दिया है। एक बार फिर से लालू यादव, जो कि इस वक्त दिल्ली में है, लेकिन फिर भी उन्हें जब भी मौका मिलता है वो बिहार में जातीय जनगणना हो या फिर विशेष राज्य का दर्जा, वो इस मुद्दे पर बिहार सरकार को घेरना नहीं छोड़ते हैं। दरअसल एक वीडियो जारी किया है लालू प्रसाद यादव ने, आरजेडी के सुप्रीमो ने एक वीडियो जारी करते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला है, खास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना बिहार में होना जरूरी है, हमारी मांग थी कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो, लेकिन फिर भी अगर देश में नहीं होती जातीय जनगणना तो कम से कम बिहार में हो, और इसके लिए नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं उनको इस बात में संज्ञान लेना होगा और त्वरित इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना जरूरी है, लोगों को पता तो चले कि स्थितियां क्या है। लालू यादव ने कहा है कि सिर्फ बात बनाने से नहीं होगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो सिर्फ पलटी मारते हैं और बात बनाते हैं, बिहार में जातीय जनगणना जब तक नहीं होगी बिहार के आवाम को उनका हक नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव सुनिए। जातीय जनगणना बहुत निहायत जरूरी है इस देश में, और जनगणना नहीं होने की वजह से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो बिल्कुल दिशाहीन होकर के बजट बना रही है और काम कर रही है, जिससे बैक बेंचर और पीछे होते जा रहे हैं। शोषक लोग आगे बढ़ रहे हैं। जातीय जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल इस स्पष्ट हमारा मत है कि जातीय जनगणना में विलंब नहीं करना चाहिए, इसके लिए शुरू करना चाहिए सरकार को, आना कानी नहीं करना। जैसे मंडल कमीशन की लड़ाई हम लोग लड़े, उसी तरह से जातीय जनगणना को लागू करने के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। और ये भाजपा की जो सरकार है ये बिल्कुल बिल्कुल विचलित कर रही है कि नहीं कराएं, कराना ही पड़ेगा इनको। इस देश में सभी जातियों की जनसंख्या बढ़ी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर नौकरी निश्चित है, उनकी संख्या बढ़ी है, उनका नौकरी का कोटा बढ़ जाएगा। और ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए जो बजट बनेगा सारे देश का, उनकी माली हालत को देख करके बनाना पड़ेगा, नहीं तो आगे बढ़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं,